सेवा तो अंग्रेजी का कर रहा हूँ, लेकिन उसी संदर्भ में इस प्रकार है, वेद पुराण तथा सारे स्मृति शास्त्रों में गोरक्षा, गो सेवा, गोदान, इनकी उपयुक्तता के संबंध में बहुत कुछ निर्देशित किया गया है। प्राचीन काल में भारतवासी गोधन को मुख्य धन मानते थे और हर प्रकार से गो संरक्षण, गो संवर्धन और गो पालन करते थे। वेदों से लेकर सभी आर्ष ग्रंथों में गो महिमा और गो बालकों के इतिहास भरे हैं। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से पता लगता है कि एक बार में एक साथ लाखों गायों का दान किया जाता। आत्मज्ञान, आत्मसर्ग और निष्काम सेवा द्वारा प्राप्त आत्मानुभूति ही भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का आधार है। सबसे पहले भारतीय ऋषियों ने जीवात्मा तथा परमात्मा की अभिन्नता, विश्व के समस्त जीवों की आध्यात्मिक एकता तथा सृष्टि के परम कारण ब्रह्म से पूर्ण सत्यम शिव और संतुलन स्वरूप का पता लगाया। उन्होंने मानव जाति को संसार के प्रत्येक प्राणी तथा व्यापार को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखाया। भारतीय समाज में गो सेवा का सजीव प्रतीक, भारतीय सेवा में गो सेवा का भाव सजीव प्रतीक समझी जाती है तथा उसी रूप में उसका आदर है। इतिहास की दृष्टि से यह निश्चित करना कठिन होगा कि प्राचीन युग से गाय को इतना अधिक पवित्र समझा जाने लगा। आर्य जाति का प्राचीन इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि सदा के साथ आर्य परिवार का एक प्रधान आवश्यक अंग रही है। पति, पत्नी, शिशु केवल तीन प्राणी छोटे से परिवार में ही गाय को परिवार का चौथा प्राणी मानते थे और उसी रूप में उसकी सेवा भी होती थी, साथ ही वह सुख समृद्धि का कारण भी मानी जाती थी। बिना गाय के परिवार अधूरा समझा जाता था। परिवार की विशालता एवं समृद्धशाली गांवों की संख्या से आंकी जाती थी। राजभवन, एकांतवासी, मुनि कुटिया दोनों स्थानों पर गाय का आदर स्थान था। सभी उम्र के तथा समाज के सभी श्रेणियों के मनुष्यों की बहुमूल्य सेवा करने का गाय को एक आदर्श की प्रतिमूर्ति तथा सेवा का सजीव समझा। सेवा का अर्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम लेना, दूसरों के हित के लिए अधिक से अधिक देना, अत्यधिक सादा जीवन बिताना और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना। सेवा के साथ नम्रता, मृदुता, सहिष्णुता, धैर्य, प्रेम, सहानुभूति आदि गुणों का भी संबंध होता है। इन सब गुणों का सुंदर एवं समुज्वल समावेश गाय के जीवन में पाया जाता है। यह अत्यंत सादे भोजन से निर्वाह करती है। खुले मैदानों में स्वयं उत्पन्न होने वाले घास इसके लिए पर्याप्त है। गाय अपने लिए संसार से कम ग्रहण करती है, किंतु इतना थोड़ा लेकर भी उसके बदले में वह अनेकों आशा प्राप्त देती है। कि आप अपने शब्दों में इसको बहुत बड़ा है शब्दों में क्या रिसर्च क्या है इसमें थोड़ा मैं इसमें ये तमाम ग्रंथों में महाभारत पुराण वाल्मीकि रामायण या जहाँ जो भी कुछ लिखा गया है मैं वो आपको सच बताऊं कि गाय पर मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। मैंने गाय स्वयं चराया है। जब मैं बीएचयू से इंग्लिश में एमए कर रहा था तो करीब उस समय मैं गाय खुद 400-500 गाय मेरे परिवार में थी और मेरे पिता आर्मी में, मैं नियमतः कल से फौजी आदमी हूँ, सेकेंड लेफ्टिनेंट मेरा पोस्टिंग हुआ था, इसमें सत्याग करके चूँकि सेवा के हमारा परिवार एक तरह से समर्पित है। तो ये मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि आज जो स्वास्थ्य की बात होती है, जो योग की बात होती है, जब हम शुद्ध घी दूध ही नहीं मिलेगा, जैसे वो जब उन्होंने परशुराम ने जब ये बात कहा कर्ण से कि तू अधिक पुष्टिकर भोजन नहीं खाएगा तो मेरे शिक्षा की कठोरता को कैसे सह पाएगा, जब हमारे ताकत शरीर में कुछ है ही नहीं, ना आवाज़ में कोई दम है, ना वाणी में कोई आवाज़ है, ना शरीर में कोई जोश खरोश है, बस हम थ्योरी बता रहे हैं। तो जो गो सेवा है तो उससे हमारी जो दरिद्रता भी दूर होगी, हमारा देश भी बचेगा, पर्यावरण बचेगा, समाज की रक्षा होगी और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जॉब की है वो सबको एक अवसर मिलेगा, उसके दूध से, उसके गोबर से, उस गोमूत्र में तो इतनी ताकत है। मैं आपको प्रमाण, मैं उसका खुद मैं योग पर मेरा रिसर्च हुआ है तो उस पर मैं जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ मेरे उम्र का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमसे कहा जाए तो आज भी 50 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। दौड़े कहा जाए, चूंकि मैं बेसिकली तो आर्मी का आदमी नहीं हूँ। गोमूत्र से क्या क्या लाभ? गोमूत्र से सर अगर आपके अंदर जहर अगर कोई भर दी, जहर कोई पिला दिया है और आप गोमूत्र का सेवन करते हैं, चूंकि मैं 25 साल से लगातार कर रहा हूँ, तो वो आपके वो जो जहर का अंश है उसको खत्म कर देगा। दूसरी बात कि कोई बीमारी तो आपके पास फटकने ही नहीं पाएगी, दूर दूर तक आप और आपके आस पास जो लोग रहेंगे वो भी आपके आबो हवा से बिल्कुल स्वस्थ सुंदर नजर आएंगे। और यही नहीं, आप जब भी जहाँ भी अगर मान लीजिए आपको कोई सर्पदंश हो गया है तो आप कहते हैं मयूरासन करिए और जो जहर को पचा लेता है, जब आप कहते हैं मयूरासन वो जहर को पचाता है, उससे भी बड़ा ताकत गोमूत्र में है। आपको कितना भी बड़ा कोई पॉइजन दे दे अगर आपने सेवन करने का आदत है तो आप उसका सर खाली पेट मॉर्निंग टाइम में। दूसरी बात
कि कोई बीमारी तो आपके पास फटकने ही नहीं पाएगी, दूर दूर तक आप और आपके आस पास जो लोग रहेंगे वो भी आपके आबो हवा से बिल्कुल स्वस्थ सुंदर नजर आएंगे। और यही नहीं, आप जब भी जहाँ भी अगर मान लीजिए आपको कोई सर्पदंश हो गया है तो आप कहते हैं मयूरासन करिए और जो जहर को पचा लेता है, जब आप कहते हैं मयूरासन वो जहर को पचाता है, उससे भी बड़ा ताकत गोमूत्र में है। आपको कितना भी बड़ा कोई पॉइजन दे दे अगर आपने सेवन करने का आदत है तो आप उसको उसका असर खाली पेट मॉर्निंग टाइम में क्या है कि आप सुबह एकदम आप उठिए और एकदम पेट खाली होना चाहिए, जिसका तुड़ियानपन जब आप करते हैं तो पूरा उस तरह से वो ये अंदर चला जाता है और एकदम खाली वो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो ये 30 ml लीजिए। अगर आप तीन चम्मच तो नहीं कम है सर, कम से कम 30 ml रखिए। और इतना आप ले लेते हैं आधा कप तो बहुत हो गया, अगर आप उतना लेंगे तो हम समझते हैं कि आप 100 साल का जीवन मतलब आपकी मृत्यु आपके हाथ, मतलब आप जब चाहेंगे तब आप मरेंगे, अदरवाइज आप कुछ ही नहीं सकता। ये ताकत है। और हम एक बात आपको और बता दें, श्री देवा बाबा का आपने नाम सुना होगा, पानी जी हाँ, पानी आप अगर आपसे न पच सके जो प्योर है तो पानी मिला सकते हैं उतनी मात्रा में, जितना आप लेंगे उतना आप पानी मिलाएंगे। श्री देवराव बाबा का आपने नाम सुना होगा किसी तरह, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो मैं आपने आपके सामने चार चार प्रधानमंत्रियों को देखा जिनको वो गोमूत्र की बात कही, ये बात पेपर में चलती है, पेपर में तो कहा आधा छपता, अभी अशोक वाजपेयी जी जो कल मुख्यमंत्री अरे जो मुख्य सचिव आ रहे थे अरे मुख्य अतिथि कल कार्यक्रम के, ये खुद उस विद्यालय में गए हैं जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं 40 वर्ष पहले संस्थापित किया हूँ, तो वहाँ मैं गो सेवा का जो रूप दिखाया वहाँ तमाम लोग जा चुके हैं। श्री देवराव बाबा अब डिग्री कॉलेज होने वाला, उसको मैं जब टीनेजर था तब मैं खोला था, अब तो डिग्री कॉलेज का मथुरा नहीं, ये सब छोटा ये आपका वाराणसी गंगा के गंगा उस पार बीएचयू है, गंगा के पार बड़ा बड़ा पंडित जी के गाय पालने से तो होगा नहीं, योग करना योग भी नहीं योग तो सर योगता योग पढ़ाई लिखाई योग की होनी चाहिए, योग में अनुसंधान भी होना चाहिए, गाय पालना वो योग तो भी पालेंगे गौ का भी रिसर्च करेंगे, लेकिन योग विभाग उसमें सर गंगा की गांव की बात कर रहा हूं, हम जर्सी गाय की बात नहीं कर रहे, वो तुरंत दूध दूध सा आ जाए, मैं उस देसी गाय की मैं भी बात कर रहा हूँ जिससे जो है वो 300 एकड़ की खेती एक गांव से की जाती है, जो शून्य लागत कृषि है, प्राकृतिक कृषि है, मैं उसका उस परिक्षेत्र में काम किया हूँ, मैं उसका विशेषज्ञ माना जाता हूँ, जो सुभाष पालेकर जी का नाम आपने सुना होगा, अभी हमने अभी 1700 किसानों का परीक्षण कराया है, और ये सर दिल्ली में बता रहा हूँ कि वो सारे रोग आपके भाग जाएंगे, और आप अगर गोमूत्र का सेवन करिए और नित्य, लेकिन वो ध्यान दीजिए कि खाली पेट होना चाहिए, खाली पेट ये लेंगे तब असर करेगा, और मॉर्निंग में बस और उसका सेवन करिए। इसके साथ अपने सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा, अगर श्रद्धा आपके अंदर नहीं है तो आपको फायदा नहीं करेगा, ये न कोई श्रद्धा होना चाहिए। मैं एक बात ये अंत में एक हमका मेरा जो जीवन का जो उद्देश्य उसको लेकर के अरे सर वो तो पंचगर मिलता मार्केट में अवेलेबल, मारुति पातंजल का भी है, रामदेव बाबा महाराज का तो वही फायदा करेगा, तो पतंजलि का तो सबसे बेस्ट वन है, अगर आप खोए में अपना गाय पालते हैं और सुबह में वो आप ले लेते हैं तो अमृत हो गया। अब एक लाइन से सुधा ये तुलसीदास जी के पंक्ति से अपना बात समापन करता हूँ, उनका लक्ष्य क्या रह गया है, अरथन धर्मन काम रुचि, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। जय गोपी।